किसकी सीट आ रही है? एक तरफा झाड़ू चल रहा है, एक तरफा झाड़ू चल रहा है, क्लीन स्वीप कर देगा बीजेपी को। बीजेपी क्लीन बोर्ड है इस बार? क्लीन बोर्ड, बिल्कुल क्लियर क्लीन बोर्ड है। कितने सीटों से वोट? वोट मेरा जो अपना असेसमेंट है, मुझे औरों का नहीं पता, 200 का आंकड़ा नहीं छुएगी इस बार। जो 400 पार का नारा लगा रखा है ना, 200 का आंकड़ा नहीं छुएगी। 170-180 में ऑल इंडिया में सिमट जाएगी। अच्छा, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने बोला कि इस बार बीजेपी क्लीन बोल्ड है, तो कुरुक्षेत्र की जनता चाहती है कि बदलाव हो? बिल्कुल चाहती है कुरुक्षेत्र की जनता, एक तरफा लहर चल रही है। मैडम आपको मैं बात बता देता हूँ, मैं पंजाब करके आया दोनों इलेक्शन, 17 वाला भी करके आया और ये वाला भी करके आया हूँ। मैं गोवा भी करके आया हूँ, मैं दिल्ली भी करके आया हूँ, मैं वाराणसी भी करके आया हूँ, जब जब भी इलेक्शन हुआ। अगर पंजाब के अंदर जो स्थिति थी ना, जो लोग यहाँ कहते थे भाई देखो वो तो आ रहेंगे नहीं, वो तो राजा है प्रकाश सिंह बादल, वो भी नहीं आ रहेंगे क्योंकि वो बुज़ुर्ग है, वो तो सदा सदा ही सीट उनकी है। तो मैंने तो वहाँ क्लीन स्वीप ऐसा देखा कि बड़े बड़े धुरंधर है ना, मिट्टी में मिला दिए थे। जैसे 1977 में इंदिरा गांधी को एक राजनैतिक बंदर था छोटा सा घुमाऊ, और उसने उसको बोल्ड मारा था, तो इसी तरह यह हाल आज मोदी को होएगा, बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा, बिल्कुल क्लीन स्वीप, कोई दो राय नहीं है। लोग इतने तंग आ चुके हैं जुमले के से, सारे जुमले के सवा कोई नहीं, इन्हें देश का सत्यानाश कर दिया, सब के ऊपर इसने झाड़ा लगाया, झाड़ा सब का लगाया। अगर कोई इसने आम आदमी कोई भी बोल गया, उसको बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया, उसी का लठ मारे हैं, चाहे किसान हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे मजदूर हो, जिसने भी आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ, वो इसको पसंद नहीं है, सबका लट्ठा पेल रखे है इसने, लठ लगा रखे हैं। और वो जनता अब भूल नहीं रही है, अब इनका लठ लगेंगे जो गांवों में जाएंगे ना, अब वो हाल इनको होगा बीजेपी। आपको लगता है कि जो सरकार है वो तानाशाही है? बिल्कुल, अभी तो तानाशाही मैडम कुछ भी नहीं है ये। अगर जैसे 400 पार का नारा इसने मशीनों के ऊपर दे रखा है, भाई मशीन हम काबू में है, प्रशासन काबू में है, तो ये तो संविधान बदल देगा, देश का संविधान बदल देगा, और बदल भी दिया है। जो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसने बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा था भाई अगर आप इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसकी जो सिलेक्शन करते हैं, उसमें एक सरकार का आदमी होता है, एक अपोजिशन का लीडर होता है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया ये फैसला बिल्कुल ठीक है, परंतु इस तानाशाह ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलकर एक सरकार, एक विपक्ष का और एक जो दूसरा था जज वाला, वो छोड़ के वो भी इसने अपना आदमी कर दिया, यानी दो हो गए इसके। अगर एक अपोजिशन वाला एक करेगा भी, ये जो मर्जी पास, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो सरकार है पूरी तरह से तानाशाह कर रही है? बिल्कुल तानाशाही चल रही है इसकी, पूरी तरह से तानाशाह है। अगर ये किसी तरह झूठ से, फ्रेब से, जैसे भी मर्जी अगर आ गया ना, तो जितने अपोजिशन के लीडर सारे अंदर जाएंगे, ये राष्ट्रपति खुद बनेगा, और वहाँ पर देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, इसको कोई थम, जन क्रांति आ जाएगी देश के अंदर। तो जनता बदलाव चाहती है? जनता 100% बदलाव चाहती है। बदलाव होगा? बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा इस बार कुरुक्षेत्र में होगा। अरे ऐसे झाड़ू चल रही है मैडम, साफ कर दिया बिल्कुल, आप निकल के देखिए, पूछिए आप। मैं तो चलो आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, जिस दिन पार्टी बनी 26 नवंबर 2012 को, मैं तो उस दिन सरकारी नौकरी छोड़ के मैं तो उस दिन पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 3 साल पहले नौकरी कौन छोड़ता, मेरी 45,000 रुपये सैलरी थी सरकारी परमानेंट, वीआरआ से लेके पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और इसका मैं भगत हूँ। आम आदमी पार्टी का क्या चाहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी मुझे दो चीज़ अच्छी लगी हैं। जैसे विदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है ना, वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते बाहर वाले, उन्हें पता है गवर्नमेंट बच्चे ना पढ़ा देगी, अगर मैं बीमार हो गया बच्चे बीमार हो जाएगा सारा सरकार खर्चा देगी, फिर जोड़ा किस लिए पैसा। तो ये सोचा अरविंद केजरीवाल की है, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया काम करा के, काम तो उसके अनगिनत है,
और इतने हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, ये तो मौलिक अधिकार दे रखे हमारे को संविधान ने, दे रखे चार चीज सरकार को देनी चाहिए, परंतु उसने तो उससे भी बढ़कर। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि सरकार जो है वो रोजगार दे दे, जो भी हमारे युवाएं हैं, जो युवा हैं जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं, डाके मार रहे हैं सारे दिन, युवा डाके मार रहे हैं, क्यों? रोजगार तो खत्म कर दिए इसने, प्राइवेट फैक्ट्री में बंद कर दिया, सरकारी तो ये 2 करोड़ की बात करता है, साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहाँ गई? 15 लाख हर खाते में आएंगे, कहाँ गए? ये जुमले हैं इसके, जनता समझ चुकी है, अब जनता वो जुमला का बदलाव लेने के लिए तैयार है। मैडम, आने वाले इलेक्शन में 2024 में आप देखोगे कि एक जन क्रांति चल रही है, आम ब्लड में भर चुका कोई भी आदमी। मोदी जी तो बोलते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, ऐसा है। देखिए, मोदी जी के अपने विचार हो सकते हैं ना, अब आप मेरे आप तो मोदी जी से बात नहीं कर रही ना। नहीं, हम मोदी जी इंडिविजुअल विचार के नहीं हो सकते, वो जनता के बीच के हैं, जनता के कार्य करने वाले हैं, तो उनका एक अलग मत नहीं हो सकता, उनका जनता के हित में मत होना चाहिए। मोदी जी के विचार है ना, तो वो पर्टिकुलरली जनता के बीच में तो नहीं है ना इस टाइम, ना हर एक जनता किसे वो मिल सकते हैं। आप कुरुक्षेत्र में तो मोदी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली दे रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव हमें कोई। तो मोदी जी आएंगे कुरुक्षेत्र में, आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे कुरुक्षेत्र में? मोदी जी मतलब कुरुक्षेत्र में आने से मतलब वो तो सेंटर में आएंगे। कुरुक्षेत्र में कौन आएगा? कुरुक्षेत्र में तो नोबडी कांट से अभी कुछ नहीं कह सकते हम, अभी अनसर्टेन है, अभी इलेक्शन का जोर ही नहीं। क्योंकि मोदी जी ने जिस चेहरे को उतारा है कुरुक्षेत्र में, वही मोदी जी ने 2014 में उनको कोयला चोर कह के बोला था, तो क्या बोलेंगे? तो मैंने तो आपको पहले बोल दिया, मेरा पहले स्टेटमेंट आप ले चुकी हैं, और मैंने आपको क्लियरली बोला है कि जो आदमी पैरासूट से आएगा वो सब वेल नोन है कि भी क्यों आया, किस लिए आया, कैसे कैसे आया, तो उसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में बताने नहीं। सर आप बताएं कुरुक्षेत्र में कौन आएगा? कुरुक्षेत्र में बीजेपी आएगी। बीजेपी ने क्या काम कर दिया कि जो आप बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में बीजेपी ही आएगी? कैसे विकास कर दिया 10 साल? नहीं, मैंने तो आपका बहुत कुछ बता दिया, मासी बैठे हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, ये बहुत अच्छी सुलझी हुई बात। बताएं आपका शुभ नाम? डॉक्टर महावीर कौशल। कौन आ रहा है कुरुक्षेत्र में, किसकी सरकार आ रही है कुरुक्षेत्र में? तो बीजेपी वाला ही आएगा। उसका कारण है कि देखो, 2014 से पहले बीजेपी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर, अब हम एक देश की सरकार चुन रहे हैं, एक किसी राज्य उसकी जिले की या प्रदेश की सरकार नहीं चुन रहे, तो मुद्दे भी हमारे राष्ट्रीय होने चाहिए उसी। तो आप कहाँ के हैं? मैं बेसिकली कुरुक्षेत्र से ही हूँ। कुरुक्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? कुरुक्षेत्र में देखो, एक सामने बोर्ड देखो आप, इसको एक श्री कृष्णा सर्किट के अंदर इसको लाया गया है, इससे यहाँ का पर्यटन बढ़ा है। वही तो मैं देख रही हूँ कि ये सबसे बड़ा धर्म नगरी माना जाता है, और यहाँ पे टूरिज्म के नाम पे बस कुछ लोग ही हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे हर एक रोज़ 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बीजेपी की सरकार ही है, मोदी जी ही हैं। हम तो यहाँ के लोकल हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ टूरिज़्म कितना बड़ा है। आप शायद कभी कभार यहाँ पर आते हैं, हम यहीं रह रहे हैं, पिछले मतलब 10 सालों में बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा है यहाँ पर, देखते हैं हम तो बार बस। बहुत ज़्यादा टूरिज्म में बढ़ा हुआ है, तो बस कुछ ही लोग दिख रहे हैं। नहीं, आज दिख रहे होंगे कुछ लोग, ये तो नहीं। आज रामनवमी है सर। रामनवमी है तो फिर इसलिए आपने अभी मुद्दा उठाया है, रामनवमी है तो जहाँ नया नया राम मंदिर बनाया है, लोगों का कुदरती रुझान उधर ही होगा। नहीं, ये तो श्री कृष्ण से संबंधित जगह है, गीता जयंती है तो धर्म नगरी ही। यहाँ पर सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत की युद्ध यहीं से शुरू। तो आप वो देखो, इवेंट देखो ना, जिसमें यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था, तो गीता जयंती पे आप 18 दिन आगे देखो यहाँ कैसा माहौल होता है, कितने बस 18 दिन यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। राम मंदिर में तो हर एक रोज 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अभी वो नया नया बने, पीछे हम देखते थे जो पहले माहौल था 2014 से पहले, इतना टूरिज्म नहीं था। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जिंदल जी उठ रहे हैं, और यही मोदी जी ने 2014 में जिंदल जी को चोर बोला था, कोयला चोर बोला था, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए नहीं, आप चोर को वोट देंगे? दो मतलब एक पार्टी जो जिसके केवल 2 लोकसभा सदस्य थे,
दो से जो है 303 तक पहुंचे हैं। इनका मतलब अमित शाह जी का एकमात्र लक्ष्य पीछे भी रहा है, जिताऊ कैंडिडेट। तो जिंदल जी को जिताऊ कैंडिडेट के रूप में बीजेपी देखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए चोर को अपने पार्टी में भी शामिल कर लिया। देखो, चोर कहना एक अलग बात है और सिद्ध होना एक अलग बात है। क्या वो कानून रूप से चोर सिद्ध हो चुके हैं? अगर बीजेपी तो आपको उनको चोर कहने का अधिकार मुझे लगता है आपको भी नहीं है। तो बीजेपी ने ही तो बोला था सर, मोदी जी ने ही बोला था कि नवीन जिंदल कोयला चोर है, उन्होंने ही साबित करा था, हम उन्हीं के आधार पे बोल रहे हैं। आप यहाँ पर जो हमारा गठबंधन का कैंडिडेट है डॉक्टर सुशील गुप्ता, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, आज वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। तो गठबंधन वाला प्रत्याशी कैसा है ये देखिए आप, जो अपने बच्चों की कसम खा के तुरंत मुकर जाता है। मोदी जी ने बच्चों की कसम तो नहीं खाई, मोदी जी ने किसी कसम तो नहीं खाई भाइयों, कर रहे हैं वो, करोड़ देशवासियों की कसम खाते हैं वो, करोड़ों भाई बहनों की कसम खाते हैं वो, अपने बच्चों की मैं कसम खाता हूँ मैं, उन्होंने और मिला आप निकल वो, एक नई हम राजनीति लाएंगे, एक नई तरह से हम राजनीति करेंगे। वो क्या राजनीति की उसने, और उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूब गया, शीश में खड़ा कर लिया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, मैं गाड़ी नहीं लूँगा जी, मैं कोठी नहीं लूँगा जी। सर हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा है ये, इलेक्शन है जो ये राष्ट्रीय सरकार चुनने के लिए, वोट फॉर मोदी है, राष्ट्रीय सरकार चुनने के लिए है, वोट फॉर मोदी है राष्ट्र लेवल पे। आप मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं? हाँ, मैं ही नहीं, यहाँ सभी मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। मोदी जी फिर यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, फिर उनको बनारस जाने की जरूरत क्यों पड़ती है जब आप मोदी जी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं? आप हमें याद कर ले, अगले इलेक्शन में शायद मोदी हमें कैंडिडेट बना दे। मैडम मोदी जी तो एक ही बीजेपी में ये संभव है, 545 जगह से कौन लड़ेंगे, वो मोदी के नाम पे ही वोट है। मोदी ने जो काम किए हैं देश में विदेश में संसार में, जो प्रतिष्ठा नाम काम काउंट करवा दीजिए, काम मोदी जी का काम काउंट करवा दीजिए। मैं समझा नहीं आपके पास जो उन्होंने काम करा है, मोदी ने जो प्रतिष्ठा हमारे भारत को हमारे हिंदुस्तान को दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी, ना भूत में दी ना कोई आगे भविष्य में देगा, ये मेरी सोच है। थैंक यू।